नाजरीन, इस वक्त हम UIT यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ फाइनल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो रही है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। इनसे तारुफ भी लेते हैं और पूछते हैं प्रोजेक्ट क्या है। अपना नाम बताइए। बजिया शौकत। महानूर तारिक। जज्जाज बिन सना। शहरियार अहमद। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि जो सोसाइटी मैनेजमेंट होती है ना, उसको एक कोई मीन ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि कनेक्ट करवाए जो रेजिडेंट्स हैं, जो कि रह रहे हैं लोग वहाँ पे, और जो कि सोसाइटी की मैनेजमेंट है उनके बीच में। तो एक गैप था जो हमने ब्रिज किया है थ्रू टेक्नोलॉजी बाय मेकिंग अ मोबाइल फ़ोन ऐप एप्लीकेशन और डैशबोर्ड ऐप जो मैनेजमेंट यूज़ करेगी। कैसे काम करेगा ये ऐप? बेसिकली जो यूज़र्स होंगे वो अपने पास मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और लाइक हमारे पास बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट, आप इधर आ जाओ और वो करके दिखा देंगे। अच्छा, ये आप कर, चलो फिर आप एक जर्नल बताएं। बेसिकली हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट, विजिटर मैनेजमेंट, फायर अलर्ट एंड ठीक। अच्छा, ये कैसे काम करेगी? एक्चुअली सबसे पहले तो होता है कि बंदा आता है, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको उठा के देख लें तो उसमें अपना अकाउंट बनाता है, और अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो भी उसको जिस तरह काम करना होता है वो करता है। तो हमारी एप्लीकेशन बेसिकली ये है कि यूज़र के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है जहाँ पे यूज़र आएगा, अपना अकाउंट बनाएगा। अगर वो उस सोसाइटी का है तो डेफिनेटली उसका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद वो कंप्लेन करेगा अपनी अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर अकाउंट पहले से बनाया हुआ अपना, तो मैं आपको वो चला के दिखा देता हूँ। यूज़र आएगा, जैसे वो इनपुट अपना करेगा डेटा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसके बाद वो इस तरह की स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इस तरह की स्क्रीन पर जब आएगा तो आप देख रहे हैं इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक कंप्लेन का है, एक विजिटर मैनेजमेंट है, एक इवेंट मैनेजमेंट है, एक फायर अलर्ट सिस्टम है। तो जो कंप्लेन है उसमें बंदा आके अपनी कंप्लेन करवा सकता है कोई भी हाउस होल्ड की। उसके बाद विजिटर मैनेजमेंट में, जैसे आपको पता है डिफरेंट सोसाइटीज़ कराची में भी हैं, जैसे मलीर कैंट हो गया, उसमें आपने देखा है कि रिसेंटली एक सिस्टम लॉन्च हुआ है, उसी के रेप्लिका है ये। लाइक तो यूजिंग द QR कोड, हम QR कोड यूज़ कर रहे हैं, उसमें QR कोड डैशबोर्ड से स्कैन होगा और उसके बाद जो है वो अलाउंस मिलेगी। इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट में आप अपना कैलेंडर से इवेंट को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह फायर अलर्ट है, हमारे पास जैसे फायर का हमारे पास डिवाइस है, हमने बनाई है, वो डिवाइस आपको ख़रीदनी होगी और वो डिवाइस आपके घर पर इंस्टॉल होगी और वो डिवाइस जो है हमारी ऐप से कनेक्ट होगी और वो ऐप से उसमें नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे यूज़र ने अपना अकाउंट बनाया तो उसकी अकाउंट डिटेल्स ये आ जाएंगी कि वो उसका नाम क्या है, कब अकाउंट बना आपका, आपकी जीमेल क्या है, आपकी पिक्चर जो यूज़ होगी वो जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है। उसके बाद आप जब एप्लीकेशन का कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, कुछ भी, सारी चीज़ें डाल सकते हैं, बस एक जर्नल दिखा देते हैं बस। हाँ ठीक, ये जिस तरह लाइक इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, और इस तरह कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल के आप पोस्ट करेंगे तो कंप्लेन पोस्ट हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास डैश। अच्छा, ये अब आपके मैनेजमेंट के पास पहुंच गई, ये कंप्लेन जो उन्होंने की है वो मैनेजमेंट के पास पहुंच गई, तो अब ये मैनेजमेंट उसको कैसे देखेगी और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगी? देखें, जब ये पहले कंप्लेन आएगी तो इसका जो स्टेटस होगा वो पेंडिंग होगा। अब मैनेजमेंट के पास जब ये कंप्लेन आ गई तो वो इस कंप्लेन को व्यू करेगी। जैसे एक जनरलाइज और सी कंप्लेन है, मैं आपको व्यू करके दिखाती हूँ। ये नेट स्लो होने की वजह से वो चल रहा है ऐसा। ये कंप्लेन्स यहाँ से, फिर इसके बाद अगर रिजेक्ट करनी है इस कंप्लेन्स को कि वाकई कोई कंप्लेन नहीं है, ये कोई ऐसे जनरल इशू है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे वरना अप्रूव कर देंगे। जैसे अभी वो पेंडिंग था, यहाँ अप्रूव कर दूंगी मैं। अभी नेट की वजह से सारे एरर्स आ रहे हैं क्योंकि वो नेट नहीं चल रहा सही। ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में पहले टोटल्स कंप्लेंट्स आई, मतलब जो टोटल विजिटर है वो है यहाँ पर। ये फायर अलर्ट, अभी वो जो हार्डवेयर हमारा बना है उसके ये फायर अलर्ट आएंगे कि कितनी दफ़ा फायर अलर्ट जनरेट हुआ है। और ये टोटल इवेंट्स हमारे गूगल कैलेंडर से कनेक्टेड है, तो जो भी वो इवेंट्स गूगल कैलेंडर पर, वो कैलेंडर से इवेंट्स यहाँ पर फैच होकर आ रहे होंगे। और ये कंप्लेंट्स टोटल कंप्लेंट्स हैं यहाँ पर सही। और ये विजिटर एक्सेस,
ये फायर अलर्ट की स्क्रीन है, ये फायर अलर्ट से जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे डिटेक्शन हो जाएगी। और ये नीचे ग्राफ है जो कंपेयर करेगा इसको, आपस में कंपेयर कर रहे हैं इन सारों फील्ड्स को ना, विजिटर्स को, कंप्लेंट्स को और फायर को, कि पूरे अर्थ में कितने विजिटर्स आए, कितने कंप्लेंट्स आए, कितने फायर अलर्ट आए, ये सब कुछ। ये पेंडिंग कंप्लेंट्स आएंगी, जो भी मतलब टॉप 10 पेंडिंग कंप्लेंट्स है ना, वो यहाँ पर शो होंगी। ये सिर्फ नेट की वजह से डेटा शो नहीं हो रहा, वरना ये सब कुछ शो होता है। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कि ये जो आपने बनाया है सारा सिस्टम, इसमें कितनी सोसाइटी इंटरेस्टेड होंगी, इसके कमर्शलाइजेशन के हवाले से क्या? कमर्शलाइजेशन के हवाले से बेसिकली आइडिया हमें डेवलप हुआ था नया नाजमाबाद से, क्योंकि हमारे जो सर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो नया नाजमाबाद में रहते हैं और वहाँ पे इस तरह की जो इशूज़ होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के दरमियान और रेजिडेंस के दरमियान ना बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है। अक्सर वो उनके फिर अपने जो है रिपोजिटरीज में ट्रांसफर होते हैं पैसे और फिर वो आगे पहुँच नहीं देते बात को। तो बेसिकली अप्रोच ये कि हम इसको जो है कम से कम जो है रिड्यूस करें इस चीज़ को, कि फिजिबिलिटी जो है बेहतर हो जाए, लोगों के लिए मैनेज करना आसान हो जाए, कंप्लेन सिस्टम आसान हो जाए और फौरन हाथ के हाथ हो जाए। आपने किसी सोसाइटी की या नया नाजमाबाद की मैनेजमेंट से इस हवाले से डिस्कशन की कि उनको क्या इशूज़ आते हैं और रेजिडेंट्स को क्या इशूज़? यूजुअली इस बारे में पहले भी बात हो चुकी थी, समाज सर ने खुद हमें बताया था कि इस बारे में बात चली थी वहाँ पर भी नया नाजमाबाद में, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी ये बात, क्योंकि वो उनके अथॉरिटल इशूज़ हैं कुछ, तो इस वजह से। थैंक यू वेरी मच।